दोस्तों दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता इन शहरों को तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको न्यू सिटीज की जानकारी देंगे जो आने वाले टाइम में एक बड़ा रोल निभाने वाला है। ये सब सिटीज कोई पुराने शहर की रीडेवलपमेंट नहीं है, बल्कि ये सिटी पूरी तरह से ब्रांड न्यू सिटी होने वाली है, जिनको स्क्रैच से खाली जमीन पर हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पर बनाया जाएगा। आज हम आपको इन नई सिटीज की इन्फॉर्मेशन तो देंगे ही, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इन नई सिटीज की जरूरत ही क्यों पड़ी। सो फ्रेंड्स, जो हमारी ओल्ड सिटी है, एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वो कभी प्लानिंग के साथ बनी नहीं, क्योंकि ये सालों पुरानी सिटी है। इन सिटी को ये खुद नहीं पता था कि ये सिटी एक समय में इतना ज्यादा डेवलप कर जाएगा, तो इन सिटी को पूरी तरह से रीडेवलप करना इम्पॉसिबल है। और डे टू डे इन सिटीज पर वर्डन भी इंक्रीज होता जा रहा है, और इसी के चलते देश में काफी नई सिटीज पर काम चल रहा है, और ये नई सिटीज फ्यूचर में इकोनॉमी और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब बन सकती है। इस नई सिटीज के पांचवें नंबर पर है गिफ्ट सिटी गुजरात। दोस्तों, गिफ्ट सिटी को गुजरात के गांधीनगर में बनाया जा रहा है। ये देश की पहली ऑप्टिकल स्मार्ट सिटी है, चूंकि ये एक फाइनेंशियल स्मार्ट सिटी है, तो इसको सिंगापुर के बेस पर रेडी किया जा रहा है। यहाँ आपको डिजाइनर कांच के बड़े बड़े बिल्डिंग्स आराम से देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इन सिटी में आपको इलेक्ट्रिसिटी से लेके गैस पाइपलाइन अंडरग्राउंड मिलने वाला है। यहाँ आपको रोड से लेके सिक्योरिटी, हर चीज हाईटेक टेक्नोलॉजी से लेस होने वाली है। दोस्तों, ये शहर देखने में भी आपको फुल्ली फ्यूचर सिटी की तरह लगेगा। इस सिटी में ऑलरेडी बिल्डिंग्स ऑपरेशनल है, और यहाँ स्कूल्स कॉलेज पर काम चल रहा है। हो सकता है यहाँ आने वाले टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग जोन बन जाए, क्योंकि यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही कंपनियां ऑलरेडी मूव कर चुकी है। दोस्तों, इन सिटी में 67% लैंड जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए होगा, 22% लैंड रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, बाकी का 11% लैंड जो है वो सोशल फैसिलिटीज के लिए डिवाइड की गई है। नंबर 4 पर है नया रायपुर या अटल नगर। दोस्तों, ये कंप्लीट न्यू सिटी रायपुर शहर से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर बनाई जा रही है, और इस नई सिटी में 47% एरिया जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज के लिए होगा, 33% एरिया जो है वो गवर्नमेंट एंड एजुकेशन के लिए होगा, बाकी का बचा हुआ 20% बिजनेस और कमर्शियल एरिया के लिए होगा। स्मार्ट सिटी का जो मेन फोकस है वो हेल्थ और एजुकेशन पर होगा। तो ये काफी वेल प्लान्ड और डेवलप्ड सिटी होगी, और यहाँ आपको 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, स्मार्ट लाइट, केबल नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा होगी। साइकिलिंग के लिए यहाँ अलग से कॉरिडोर और पास भी बनाई जाएगी। नंबर 3 पर है एडा सिटी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद पर पॉपुलेशन और इंडस्ट्री प्रेशर हो जाने की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है एक नई सिटी डेवलप करने जा रही है, जिसका नाम है एडा सिटी। दोस्तों, इस पूरी नई प्लान सिटी में 90% एरिया जो है रेसिडेंशियल होगा, और 26% एरिया जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए होगा, और 22% एरिया ग्रीन कवरेज पर्पस के लिए होगा, और बचा हुआ 23% पब्लिक फैसिलिटीज के लिए होगा। दोस्तों, इस सिटी में स्टार्टिंग में लगभग 35 लाख तक लोगों को बसाया जा सकता है, और ये सिटी इंडिया की मेजर सिटी होने वाली है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि ऑलरेडी स्मार्टफोन कंपनी लाइक्स ओप्पो, वीवो, लावा, इंटेक्स और सैमसंग यहाँ पर सेटअप करने की सोच रही है। इस सिटी की कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट सभी टाइप की ट्रांसपोर्टेशन से होगी। नंबर 2 पर है नैना स्मार्ट सिटी, महाराष्ट्र। दोस्तों, इस सिटी को मुंबई से पॉपुलेशन को कम करने के लिए रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जाएगा, जो कि लगभग 25 किलोमीटर दूर है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। दोस्तों, इस पूरे सिटी का एरिया जो है वो लगभग 600 स्क्वायर किलोमीटर का है, और इसमें 270 से ज्यादा गांव और 6 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड होने वाली है। आपको बता दें कि नई सिटी को बनाने में लगभग 2,10,000 करोड़ की लागत आ सकती है। दोस्तों, नंबर 1 पर है धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात, जिसको गुजरात के अहमदाबाद जिले में अहमदाबाद सिटी के अराउंड 100 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये देश की नंबर 1 प्लान सिटी होगी। इस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्ल्ड क्लास होने वाला है, और इस सिटी में हर बिल्डिंग, घर और सड़क के कैमरे सभी वायरलेस सेंसर से लेस हो गए, जो इसको असल में एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इस सिटी में अपना खुद का एक एयरपोर्ट होगी, मेट्रो होगी, साथ ही अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे डेवलप किया जाएगा। साथ ही ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से काफी नजदीक होने वाला है, और यहाँ पे 2.5 मिलियन पीपल के लिए रेसिडेंट भी होने वाला है। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, साथ ही आपको किस सिटी का डेवलप होने का बेहद इंतजार है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से न्यू किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।